नमस्कार, आप सभी लोगों का मेरे रेखी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आज ऐसी पांच चीज बताने जा रही हूँ जो इस दिवाली पर या आपके जो स्पेशल डेज होते हैं, जिसे हम पूर्णमासी कहते हैं, अष्टमी कहते हैं, इसमें यदि आप करेंगे तो वो चीजें आपको वैभव, मान सम्मान और अथाह धन की प्राप्ति कराएंगी। द फाइव थिंग दैट मेक यू रिच, क्या चीजें हैं ऐसी, अगर हम जिन बातों का ध्यान रखते हैं स्पेशल डेज में, जैसे दिवाली के दिन या दिवाली के दिनों में जब दिवाली आने वाली होती है, या स्पेशल डेज होते हैं जो हम पूर्णमासी का दिन होता है हमारा, अष्टमी का दिन होता है, या जिस दिन हम व्रत रखते हैं, या जिस दिन हमारा स्पेशल मंथ में, एवरी मंथ टू मंथ में वो दिन आता रहता है, तो उस दिन ऐसा क्या करें या किन बातों का ऐसा ध्यान रखें जो हमारे लिए मनी प्रॉस्पेरिटी लाना शुरू कर दे। रिचुअल्स भी हैं इसमें। अगर स्पेशल डेज आते हैं मॉर्निंग टाइम में, जिस चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, मैं हमेशा कहती हूं आपका गेट, गेट की जो पॉजिटिविटी होती है वो आपके लिए आपके मुख की तरह होती है। गेट पर प्रॉपर क्लीनिंग, वहां पे यदि आपने तोरण या कुछ लगा रखा है तो उसको प्रॉपर लगाइए। अगर स्पेशल डेज हैं तो उस दिन आप अशोक के पत्ते, आम के पत्ते या आग के पत्ते, जो भी पत्ते आपको मिलते हैं, उससे तोरण बनाकर अपने गेट की शोभा बढ़ाइए। अगर वहां पर कोई सूखा या पुराना टंगा हुआ है, जो एक साल छह महीने से टंगा हुआ है, तो उसको वहां से रिमूव कीजिए और नया वहां लगाइए। गेट आपकी प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करता है। कुछ लोग आर्टिफिशियल चीजें लेकर आते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं, आर्टिफिशियल चीजें होती हैं, उनसे खूबसूरती बढ़ाते हैं। गेट हमेशा आपका ब्यूटीफुल होना चाहिए। उसमें जो भी आप रख रहे हैं, जो भी चीज आप लगा रहे हैं, प्रॉपर लगी होनी चाहिए। अगर आपके जो भी रिलीजियस आपके सिंबल्स होते हैं, जैसे ओम, स्वास्तिक, तो इसको पूर्ण तरह से गेट पर लगाइए। मैं स्वास्तिक को हमेशा बोलती हूँ गेट पर लगाना चाहिए, जो आपका मेन एंट्रेंस होता है वह स्वास्तिक, या आपका जो भी रिलीजियस, जो भी आप जिस रिलीजियस को फॉलो करते हैं, उसका सिंबल जरूर होना चाहिए, जो आपके गेट की, आपके घर की जो भी प्रोस्पेरिटी है उसको रिप्रेजेंट करे। गेट हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। गेट को आप उसको प्रॉपर क्लीनिंग करें। सेकेंड चीज, तस्वीरें। आप घर में घुसेंगे तो लोग को अच्छे अच्छे दिनों में, दिवाली में, होली में, अच्छे जो डेज होते हैं उसमें बहुत सुंदर सुंदर चीजें खरीदते हैं, वो कपड़े महंगे खरीदते हैं, अच्छे अच्छे चीजें लाते हैं, पर यदि आप देखेंगे तो कुछ ऐसी चीजें नहीं लाते जिनसे प्रॉस्पेरिटी क्रिएट होती है। प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करने के लिए बैम्बू प्लांट आता है, ये सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आपके लिए क्रिएट करता है। यदि आप घर के अंदर हैं तो बैम्बू ट्री रखिए, और यदि इसको रखना है तो आपका जो उत्तर दिशा है या आपकी पूर्व दिशा है, उस साइड में आप रखिए। अगर आप उत्तर दिशा की तरफ बैम्बू ट्री लगाते हैं तो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का कारण बनेगा। अब यहां आप ये मुझसे कहते हैं कि हम कैसे जानें कि उत्तर दिशा कैसे है। जब सूरज उगता है, सपोज मेरे सामने से उग रहा है, तो आप फेस करके खड़े हो जाइए। जो आपका लेफ्ट साइड होती है वो उत्तर दिशा होती है, तो उसी साइड में आप बैम्बू ट्री को रखिए। आप चाहे तो कांच के बाउल में रख सकते हैं, पीतल के बाउल में रख सकते हैं, तांबे के बाउल में रख सकते हैं, किसी भी तरीके से रखिए। थोड़े थोड़े समय में उसका पानी चेंज करना होता है, जितना वो भरता है वो आपकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाता है। बैम्बू ट्री को हम प्रॉस्पेरिटी कारक भी कहते हैं। तीसरी चीज, यदि आपको ज्वेलरी का बहुत शौक है और आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, थोड़ा सा खर्चा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी इस अच्छे दिनों में हम लेकर आए, तो सबसे अच्छी चीज बता रही हूं आज आपको। उसके लिए आज एक माला आपको बताती हूं। देखिए, ये सिट्रीन की माला है। इस तरह की जो सिट्रीन की माला होती है, ये प्रॉस्पेरिटी कारक होती है, ये हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करती है, क्योंकि ये बृहस्पति को भी रिप्रेजेंट कर रही है। जो लोगों के दोस्त जल्दी नहीं बनते, जिन लोगों को अलग अलग तरीके की दिक्कतें हैं, जल्दी जल्दी उनको पढ़ाई में दिक्कत होती है, अच्छे गुरु, अच्छा ज्ञानी लोग नहीं मिलते, वो अच्छे दिनों में ऐसी माला को कुछ समय के लिए धारण करें। जैसे जिस दिन दिवाली है, जिस दिन होली है, अष्टमी है, आपकी पूर्णमासी है, दो तीन घंटे आप पहने तो आप देखेंगे प्रॉस्पेरिटी आपके पास आनी शुरू हो जाएगी।
ये माला प्रॉस्पेरिटी का स्टोन है, तो प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करता है। जो लोग रख सकते हैं तो क्लस्टर्स हो गया उन्हें रखिए। हम ट्रीज भी देते हैं, जो हमारे ट्रीज आते हैं सिट्रीन के, हमारे ट्रीज होते हैं जो प्रॉस्पेरिटी कारक ट्रीज होते हैं, आप उनको भी लगा सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी इनसे क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अच्छी अच्छी खूबसूरत चीजें हम लोग खरीदते हैं बजाय आर्टिफिशियल मार्केट से लेने से। ये सारी चीजें हम खरीदेंगे तो हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करेगी। जब ये सारी चीजें होती हैं तो उस जगह की ऑरा बदलने लग जाती है। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है और अगर कोई शुभ दिन है, उस दिन सुबह ही आपके घर में झगड़ा होने लगा, आपके घर का एनवायरमेंट बिगड़ने लगा, तो डेफिनेटली आप समझ लीजिए नेगेटिविटी है। सिर्फ छोटे छोटे उपाय करने से काम नहीं कर चलेगा, कोई बड़ा काम करना पड़ेगा। क्या करें, पोछा लगाइए थोड़ा सा नमक डाल के, इतना सारा मत डाल दीजिएगा वरना लाइन पड़ जाएंगी आपके फ्लोर पर। थोड़ा नमक डालिए और क्लीन कीजिए अपने घर को, पूरा साफ कीजिए। ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, बहुत ज्यादा परेशानी है, मैं हमेशा कहती हूँ सॉल्ट लैम्प जगह जगह अपने घर में लगाइए, 2, 4, 6, 8, एक लगाने से प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, तो ज्यादा सॉल्ट लैम्प लगाइए। अब जो लोग लक्ष्मी जी को मनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं उनके घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो, स्थिर लक्ष्मी रहे, आज उनके लिए उपाय बताने जा रही हूँ। जो लोग लक्ष्मी से जुड़े हैं, अपने घर में उन्होंने छोटी सी लक्ष्मी जी की प्रतिमा लगा रखी है, लक्ष्मी जी को मनाते हैं, लक्ष्मी जी को प्रॉस्पेरिटी क्रिएट चाहते हैं, लक्ष्मी जी से चाहते हैं सारी प्रॉस्पेरिटी क्रिएट हो, तो आज मैं उनके लिए उपाय बताने जा रही हूँ। 1 सेकेंड। ये उपाय उन लोगों के लिए जो प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। अगर आप लक्ष्मी जी ला चुके हैं, जैसे कि ग्रीन एवेंचुरियन की लक्ष्मी जी है, अगर आप अपने घर में ला चुके हैं और इनसे कामना कर रहे हैं रिद्धि सिद्धि की, ग्रीन कलर रिप्रेजेंट मनी ऑब्वियसली, तो जहां ग्रीन कलर है वहां पर मनी अपने आप आती है। अगर आप लक्ष्मी जी ला चुके हैं, लक्ष्मी जी लाए हैं, तो क्या करें, इनका प्रॉपर अभिषेक कीजिए। प्रॉपर लक्ष्मी जी लाई, उनको आप लाल या पीला वस्त्र या हरा वस्त्र अपनी सुविधा अनुसार चढ़ाइए। ग्रीन कलर की लक्ष्मी जी हैं, देखिए ये तो रिप्रेजेंट कर रही हैं मनी को। और सबसे ज्यादा लक्ष्मी को क्या पसंद होता है, इन्हें पसंद होता है क्लियर क्वार्ट्ज, स्फटिक, स्फटिक की माला इन्हें पहनाइए और इसको अपने धन वैभव स्थान पे रखिए। ये आपके लिए प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करेंगी। लक्ष्मी पूजन में विशेष लक्ष्मी को अपने घर में माध्यम बनाइए। अलग अलग प्रकार की लक्ष्मी जी होती हैं, पीतल की भी लक्ष्मी होती हैं अपनी, और लोग अष्ट धातु की, अपने 8 धातु, अपने 5 धातु, सबकी अलग अलग लक्ष्मी जी बनवाते हैं। जो ये लक्ष्मी जी है वो लक्ष्मी क्रिएट करती है ग्रीन एवेंचुरियन की मनी, ये बेसिकली मनी को रिप्रेजेंट करती है। लक्ष्मी जी लाइए, विशेष दिनों में पूजन कीजिए, इनके साथ इनका प्रिय जो स्टोन है उसको उनकी माला बना के रखिए और इनसे श्री मंत्र, मैं वो भी दिखा देती हूँ, इनका बीज मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। ये मंत्र लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। जब आप इस मंत्र से उच्चारण करेंगे, पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे, सीधा आपकी पॉजिटिविटी आपके आसपास आना शुरू हो जाएगी। कुछ नियम होते हैं जैसे कि अच्छे साफ सुथरे रेशमी वस्त्र या साफ सुथरे वस्त्र पहन के आपको बैठना है, श्री मंत्र का आपको जप करना है। कोई भी कलर का वस्त्र पहन सकते हैं, डार्क ब्लैक और ब्लू का इस्तेमाल ना करें, बाकी कोई भी कलर आप पहन सकते हैं। पूजन करें, उनको रिद्धि सिद्धि की प्रार्थना करें, उनसे श्री मंत्र से आप 1 बार 2 बार 5 बार 11 बार जो आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से बोल सकते हैं। बोलने के बाद उनको जो भी मेवा है, लक्ष्मी जी को मेवा बहुत प्रिय है, आप उनके सामने 5 तरीके की मेवा या कोई उनको प्रसाद भोग या जो आपकी श्रद्धा है उस अनुसार उनको वहां सामने उनके रखिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारे स्पेशल डेज है, दिवाली का देना या अलग अलग देना, उस दिन आप रिद्धि सिद्धि प्रदान करें और हमारे घर में निवास करें। इस तरीके से आप उनकी मंगल में कामना करें, लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर लक्ष्मी, पर्टिकुलर चीजें आपको रखनी पड़ेगी। भाव आपके होने चाहिए, बाकी जब आप ये खुद ही क्रिएट करते हैं तो ये स्टोन अपने आप ही पॉजिटिविटी क्रिएट करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसका काम ही पॉजिटिविटी क्रिएट करना है। ग्रीन एवेंचुरियन स्टोन ही पॉजिटिविटी के लिए, जब आप इनको देखेंगे, स्पर्श करेंगे, इनकी पूजा करेंगे, तो इनमें से जो वाइब्रेशंस आप तक पहुंचेंगी वो आपके लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे। छोटा सा ट्री इनके पास, जैसे ब्यूटीफुली इनके पास रखिए, आप इनको कहीं साफ सुथरे स्थान पर फिर बैठा दीजिए, जहां से ये आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, आपके लिए अबेंडेंस क्रिएट करना शुरू कर दे। ये सारे वो उपाय हैं जो वैदिक उपाय हैं, जो सालों से चले आ रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के उपाय करेंगे।
सबसे पहले अगर आपके घर में जो भी रिचुअल हो रहा है, मैं हमेशा कहती हूँ जो आपके घर के रिचुअल्स हैं, जो आपके शुभ दिन होते हैं दिवाली होली पे, उनको जरूर फॉलो कीजिए। ना कि आप वो फॉलो कीजिए जो अलग अलग तरीके से है, तो उनको फॉलो कीजिए। प्रॉस्पेरिटी और आपकी घर की क्लीन होना अपने आप ही शुरू हो जाएगी। जो आपके घर के अपने फैमिली के रिचुअल्स हैं उनको फॉलो कीजिए, अपने बड़ों से जानिए, समझिए और उनको बनाइए। नए रिचुअल्स लेना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको लंबे समय तक करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो पीढ़ियों से चीज चली आ रही है उसने ऑलरेडी वाइब्रेशंस क्रिएट कर रखे थी, 4 पीढ़ी, 8 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 16 पीढ़ी, वहां से चली आ रही है वो रिचुअल्स। अगर है आपके यहाँ तो जानिए, अगर आपके यहाँ बड़े हैं उनको फॉलो कीजिए। जिन लोगों को लगता है पैसा रुकता नहीं है, अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, हम इतना एफर्ट करते हैं, सारे यंत्र तंत्र कर लिए, जानिए ऐसा कोई रिचुअल तो नहीं है जिसे आप गलत कर रहे हो या भूल चुके हो। उसे जानिए कि मैं आपको बहुत बढ़िया टिप दे के लास्ट में जा रही हूँ, उसको जानिए और उससे चालू करना शुरू कीजिए। यूं तो हम धूप भी देते हैं, हमारे बनकर आती है धूप, आप लीजिए। और इस तरह के बर्नर्स होते हैं, देखिए बर्नर है जो ये भी प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करता है। इस बर्नर पे आप यहाँ पे धूप लगा के रख लीजिए, जो आपके लिए होगा ये जला के आप लगा दीजिए। जो हमारी मैजिकल धूप है उसको आप जलाइए, सुबह आप थोड़ा सा धूप जला के इसको बिजली के इसमें सॉकेट में लगा दीजिए, ये अपने आप क्रिएट होगी और वहां पे पॉजिटिविटी दाना शुरू कर देगी। ये भी बहुत काम करती है धूप, मैंने देखी है इतनी जल्दी काम करती है, आप सोच नहीं सकते हैं। मैजिकली जो भी आपके मनी इश्यूज हैं, मनी प्रॉब्लम्स हैं, मनी ब्लॉकेजेस हैं, हर जगह पे धूप काम करती है। ये भी जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो थोड़ा सा धूप ला के डालिए, आपका 1.5-2 महीना आराम से चलते, थोड़ा सा डाल के छोड़ दीजिए, जो उसका अरोमा बनेगा वही सारी नेगेटिविटी उस जगह से। और ये जो स्पेशल डेज होते हैं इनमें तो जरूरी कि हम हवन ता हर काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए आप पंडित बुलाइए, उसको मोटी दक्षिणा दीजिए, या मंत्रों का सही उच्चारण नहीं है या उच्चारण है तो हम गलत पकड़ पाते हैं। लेकिन जब आप पॉजिटिविटी सीधा क्रिएट करते हैं धूप के थ्रू, इन चीजों के थ्रू, तो अपने आप वहां मनी अबंडेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो धूप का आप इस्तेमाल भी वहां कीजिए, हमसे आप मंगाते हैं तो हम उसको तरीका वहां बताते हैं। उसको अच्छे दिनों में जलाइए, जब आप सुबह जलाइए, शाम जलाइए, थोड़ी थोड़ी जलाइए, तो जो अरोमा वहां घूमेगा, जो गंध वहां पे घूमेगी, वो सारी नेगेटिविटी मनी ब्लॉकेजेस जो आपके होंगे वो निकालना शुरू हो जाएगी। ये 5 तरीके जो मेजर मैंने आपको बताए हैं, ये आपकी पूरी वाइब्रेशंस को जो है वो क्रिएट करते हैं, सारी नेगेटिविटी को वहां से हटाने में आपकी हमेशा मदद करेंगे। मेरे रेखी ज्ञान से मैं यामिनी शर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।